वैसे अभी हम लोग फिलहाल स्विच गेट आ चुके हैं। ये है स्विच गेट, राहुल भाई ने जो बोला था। गाइस देख सकते हैं इतना सुंदर पुल है, एक छोटा सा पुल है इधर, ये इस पुल को पार करके देखते हैं। वो पत्थर है गाइस, क्या बताएं। सो हेलो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूज लाइफस्टाइल। तो गाइस आज है मेरा डोबोका का दूसरा दिन और मेरे साथ है राहुल भाई। आए बोल दे, मतलब राहुल भाई से मीट करने के लिए मतलब था, मैं बहुत दिनों से था राहुल भाई से मीट करूंगा बोल के। सो फाइनली मीट हो चुका है हमारा। सो हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं और मतलब घूमने के लिए, और इनका बाइक से कमला मंदिर ना, कमला मंदिर में घूमने के लिए जा रहे हैं और उधर का व्यू दिखा था आप लोगों को। देखिए गाइस आप लोगों को तबाही ब्लॉग मिलेगा अभी, तो वीडियो अंत तक देखना और शाम को कहीं और जाएंगे, देखते रहिए गाइस वीडियो अंत तक। तो गाइस अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं राइडिंग। तारा भाई बीबू भाई राइड कर रहा है इस बाइक को और अभी हम लोग निकल रहे हैं इधर, और थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाला है गाइस और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग आधा तो आ चुके हैं और इधर से रोड इधर से घुसेंगे और देखते हैं क्या है। मतलब राहुल भाई मुझे घुमा रहा है, क्या क्या दिखाता है राहुल भाई उसको ही पता है। बाबा ब्लॉग होने वाला है, तो मतलब दोनों यूट्यूबर है। ये भी यूट्यूब, इसका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो और वीडियो बनाते हैं। और नॉइस बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस, इधर ज्यादा बातें मैं नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा गाड़ी अप डाउन हो रहा है, नॉइस बहुत ज्यादा है। उधर जाके मिलता हूँ गाइस, वीडियो एंड तक देखना। सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। ये रोड इधर से जा रहे हैं हम लोग अंदर, अंदर जाके देखते हैं क्या है और क्या आप लोगों को दिखाने को मिलता है, देखते हैं गाइस वीडियो अंदर। गाइस इस कदर पहाड़ का व्यू देख सकते हैं, इस कदर सुंदर है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, मेरा मतलब दिल ही सा गया, देख सकते हैं इतना सुंदर पहाड़ का व्यू है इधर। अभी तो सनसेट होने वाला है इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और एक हाथ से राइड कर रहा था, देखते हैं अंदर जाके, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इधर से, इतना अच्छा दिखा दे रहा है। अंदर अंदर जाके देखते हैं। राहुल भाई पकड़ लो कैमरा। इतना सुंदर पुल है, एक छोटा सा पुल है इधर, ये इस पुल को पार करके देखते हैं। वो पत्थर है गाइस, क्या बताएं, अभी जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओह दिल्ली से आ गया गाइस, देख सकते हैं। ये पार्क देख सकते हैं और इधर इधर दिखा, इधर पहाड़ को देख सकते हैं, इतना सुंदर पहाड़ है, मैं पहली बार इतना सामने हूँ पहाड़ का भाई, इतना सुंदर है ये जगह। इधर मंदिर है, इसका नाम यही होगा मंदिर, यही है मंदिर गाइस जो हम लोग आ रहे थे, हमारा डेस्टिनेशन यही है। सो गाइस अभी मैं और राहुल भाई आके पहुंच चुके हैं ये मंदिर, इसको क्या कमला मंदिर बोलते हैं ना, कमला मंदिर में आके पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं ये है मंदिर, और गेट ताला मारा हुआ है, अंदर देख सकते हैं ऐसा है कुछ व्यू, इधर पूजा वूजा होता है, होगा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है गाइस इधर। इधर मछलियां देख सकते हैं गाइस, ओ वाह आंखों से दिखाई दे रहा है गाइस, इधर मछलियां भी है बहुत सारा, मछलियां भी बहुत सारे हैं। और उधर जाके हम लोग फोटोशूट करने वाले हैं कहीं और जाके, और लोकेशन बहुत अच्छा है गाइस इधर फोटोशूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लोकेशन बहुत अच्छा है। तो फिलहाल हम लोग फोटोशूट करने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, कहीं और जाके फोटोशूट करेंगे, इधर तो क्या दिखा है मतलब मंदिर ही है सिर्फ, तो अभी चलते हैं कहीं और। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उधर था मंदिर, और इधर आ चुके हैं, ये क्या पार्क है पता नहीं, और ये फ्लावर्स बहुत अच्छा लगा, सो इधर फोटोज क्लिक करेंगे थोड़ा सा। और पार्क छोटा मोटा ही है गाइस, नहीं है इधर बहुत बड़ा करके पूजा होता है, मतलब क्या होता है मेला होता है गाइस, बहुत बड़ा करके पूजा होता है इस मंदिर में, इतना श्योर नहीं हूँ, मुझे मतलब नहीं पता है इतना। तो देख सकते हैं सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर बाद, इधर थोड़ा सा फोटोज क्लिक करते हैं गाइस।
सो गाइस अभी हम लोग मतलब उधर से आ चुके थे, उधर से सीधा आके इधर आए हैं और इधर भी पहाड़ का व्यू देख सकते हैं। डबुका में मतलब पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, डबुका और डेनगांव की और बहुत अच्छा अच्छा पहाड़ का व्यू दिखाई वाला है। स्विच गेट जाने वाले हम लोग गाइस, तो वीडियो एंड तक देखना गाइस। इधर से स्विच गेट जाएंगे, सब बस्ती एरिया है इधर, वाटरफॉल है ना, तो वाटरफॉल भी देखेंगे, जाएंगे मचाएंगे गाइस, वीडियो देखते रहिएगा। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल स्विच गेट आ चुके हैं, ये है स्विच गेट, राहुल भाई ने जो बोला था। और इधर क्या लटका हुआ है, सीमेंट का है ये सब ने क्या, लोहा का, लोहा का है। तो गाइस हम लोग फाइनली स्विच गेट आके पहुंच चुके हैं, ये है स्विच गेट जो राहुल भाई ने बोला था। तो इधर से देख सकते हैं मतलब हम लोगों का जो मांझा में स्विच गेट है उससे बहुत डिफरेंस है, ये स्विच गेट बहुत अलग है। गर्मी के सीजन में पानी बहुत ज्यादा होगा इधर, मेरे हिसाब से इधर इधर बह जाता होगा ना, पानी बहुत ज्यादा होगा। सो गाइस अभी इधर मतलब थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं और फोटो शूट करके निकलते हैं, और एक जगह है राहुल भाई जैसे बोला है उधर है ना, तो और एक जगह है उधर, उधर भी जाएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी फोटो शूट कर लेते हैं पहले। हम लोगों ने इधर बहुत ज्यादा फोटो भी शूट किया और थोड़ा सा रील्स के लिए शॉट लिया। सो अभी हम लोग जाते हैं उधर, कहाँ जाएंगे अभी उधर जाएगा, उधर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सिनेमैटिक भी ले आएगा इस इधर का, देखिए आप लोग। गाइस इधर पहाड़ का जो व्यू है बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के, ये देख सकते हैं इतना सामने सामने पहाड़ है, वो बहुत अच्छा है गाइस। अभी हम लोग इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं, जंगल के अंदर की तरफ, इधर देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है। तो अभी जाते हैं उधर जाके देखते हैं क्या है। ये देख सकते हैं इधर आए हैं हम लोग, सेम सिलोनी की तरह है, सिलोनी में भी इतना ऐसा ही है। सो और ऊपर जाने के बाद वाटरफॉल दिखाई देता है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे उधर, देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है इधर, मतलब सिलोनी की तरह है सेम, हम लोगों का सिलोनी जो है हमारा कार्बियालोंग का, तो सेम है इधर। और उधर है वाटरफॉल, लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले अभी, वाटरफॉल में जाने के लिए बहुत देर हो जाएगा और मेरा शू पूरा गीला हो चुका है गाइस, मतलब पानी को क्रॉस करते हुए आए हम लोग बाइक से, पानी को क्रॉस करते हुए आए और पत्थर भी बहुत ज्यादा था इसलिए मेरा शू गीला हो चुका है। अभी जाते हैं कहीं और, घर की ओर जाएंगे या कहाँ जाएंगे देखते हैं। तो तवाई चल रहा है इधर आके, तो इधर यही व्यू है इधर, और क्या देखा इधर इतना ही है, ऊपर तरफ और भी है, ऊपर की तरफ और नहीं जाएगा, रिक्स से बहुत बहुत रिक्स है, लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले ऊपर तरफ, बहुत हमारा घर के सामने होने से तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन अभी दूर की जगह है सो नहीं जाएंगे ऊपर की तरफ, और रिक्स लेना नहीं चाहिए, मतलब इतना जूता सूता गीला हो चुका है मेरा। सो अभी चलते हैं उधर जाके देखते हैं और क्या क्या है, दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो अंदर। उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर पे, घर पे आने के बाद हम लोग गए हैं उधर कीर्तन में, जैसे कि मतलब एपिसोड 1 में मैंने दिखाया था उस कीर्तन में गए थे, और उधर जाके गाइस लफड़ा हो चुका था उधर पूरा, मतलब मारपीट ऐसा चल रहा था सीन कुछ, तो आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ उधर का और बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं, देखिए वीडियो क्लिप पहले। हल्ले मनोज, हल्ले मनोज,
गाइस सीन कुछ ऐसा था, मतलब पहले इधर मारपीट हुआ है, मतलब एक बंदा था वो उसकी मतलब जो बीबी है उसको मतलब इस बीच मार्केट में मार रहा था। सो उसके बाद उसको देख के एक लड़का आया और उस बंदे को मारा, क्योंकि उसने मार्केट में सरेआम उसके बीबी को मार रहा था। उसको देख के एक लड़का आया और उसको मारा। उसके बाद ये औरत आके अभी मतलब इधर क्या कर रहा है देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस आज के लिए ये वीडियो इतने में एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बचाइए गाइस शेयर कीजिए वीडियो को, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी फाड़ू बनाने वाला हूँ अभी पता नहीं, और ये वाला वीडियो बहुत दिनों पहले का है, मैं मतलब घर पे आके अभी एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज।